एक तरफ जहां देश में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सीएए और एनआरसी लागू करने की बात स्पष्ट कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी एनआरसी पर अपना बयान देकर बीजेपी को चेतावनी दे दी है। रिपोर्ट देखिए। देश में वो समय अभी भी हर एक व्यक्ति को याद है जब सीएए और एनआरसी के विरोध में कट्टरपंथी सड़कों पर लोगों को मारने काटने तक को आ गए थे। एक बार फिर चुनाव से पहले एनआरसी लागू करने की बात पर विवाद छिड़ गया है। कई लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कई लोग इस पर अपना रुख साफ कर चुके हैं। इस बीच सीएम ममता का भी इस पर बयान आया है, जिसमें उन्होंने एनआरसी पर विरोध जताया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने रविवार को बीजेपी पर निशाना साधा है। बता दें कि हाल ही के कई घटनाक्रमों को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य के विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा है कि बंगाल में एनआरसी नहीं होगा। सत्ताधारी दल जो भी कह रहा है वह सिर्फ चुनाव के कारण ही है। ममता बनर्जी ने कहा कि वे चुनाव से पहले बहुत कुछ कहते रहे हैं। ममता बनर्जी ने निशाना साधते हुए कहा है कि वे चुनाव से पहले सीएए चिल्ला रहे थे, सिर्फ चुनाव के कारण वे ऐसा कह रहे हैं। चुनाव से पहले वे कहते हैं कि हर किसी को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। वे कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, असल में वे केवल झूठ बोलते हैं और दंगे भड़काते हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को ये भी आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में लोगों के बैंक खाते और आधार कार्ड को निष्क्रिय कर दिया है, ताकि उन्हें उनकी सरकार की विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ न मिल सके। बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार विभिन्न राज्य संचालित कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भुगतान करना जारी रखेगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि यदि वह कुछ बोलेंगी तो ईडी की टीम उनके घर पहुंच जाएगी। संविधान केवल एजेंसी द्वारा चलाया जा रहा है। सीएम ममता ने कहा कि मौलिक अधिकारों और देश की संप्रभुता के बीच संतुलन को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।